जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ व्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सलाम करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट माशाल्लाह। आप इन सबसे मिलिए, ये हैं आयशा, मैं हूँ अनास जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें और बाकी आगे वीडियो में जाए। और जो जो नए नए सब्सक्राइब आएंगे उसको हम एक एक डेयरी मिल्क देंगे। वो अपना एड्रेस दे तो हम उसको एक एक डेयरी मिल्क। माशाल्लाह आज हम दोनों अपनी लव स्टोरी शेयर करने वाले हैं। लव स्टोरी नहीं, शादी हमारी कैसे है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं आप अपनी लव स्टोरी शेयर करिए। नहीं, सबने पूछा हमारी शादी कैसे है, हमारी शादी लव थी कह रही थी, तो हमने सोचा एक वीडियो बना ही दे, क्योंकि सब कह रहे थे वीडियो बनाओ और हमें बताओ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, लव या अरेंज? तो एक काम करें, पहले आप लोग कमेंट करें, अभी से कर दें कमेंट, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे ना, तो फिर आप उस कमेंट के आगे एडिट करके बताइएगा कि आप रॉन्ग थे कि मतलब आपने सही बताया कि गलत था, ठीक है ना? ये ऐसे करें आप लोग, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसे सही है, मज़ा आएगा। हम भी देखें ना कितने सही जज किया, कितने गलत जज किया। बताइए कब से सुनना चाह रहे हैं, बताओ। चले हो गया कमेंट। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बताना स्टार्ट करती हूं। पहले मैं बताना स्टार्ट करूंगा कि शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी। अच्छा बताइए। मेरा एक छोटा भाई है अहमद। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं बताऊं हुआ क्या था, आपको खुद नहीं पता। ये लोग आए थे, ये लोग बेसिकली ये लोग रहते थे कराची में, वहीं पे रहे, अहमद से स्टार्टिंग हुई थी। ये लोग वहीं पे रहे, कराची में ही रहे, कराची में ही थे, मतलब पैदा हुआ सब कुछ वहीं पे हुआ। फिर पापा का जो काम है मेरे फादर इन लोग का, वो यहाँ पर हो गया, तो ये सब लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इनको जल्दी जल्दी में सही से घर नहीं मिला, वो घर था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, इनको मतलब इनके हिसाब, इन लोगों के हिसाब से वो बहुत घर छोटा था, सामान वगैरह नहीं आ रहा था। तो वहाँ मेरी अम्मी जो थी, वो मेरी सास जो है वो मेरी अम्मी के पास आई, मतलब उस टाइम तो वो आंटी हम उन्हें कहा करते थे, तो मेरी अम्मी के पास आई, कह रही उनको घर चाहिए, ठीक है? तो किसी ने उनको बोला होगा कि मेरी अम्मी के पास चले जाएँ, उनको पता होगा किस तरह कुछ, ठीक है? तो फिर वो अम्मी मेरे पास आई, हमारे घर पर आई, तो वहाँ पर अम्मी ने मुझे देखा पहली बार, सही है? और बस यहाँ यहाँ तक था कि इस तरह से वो हमारे घर पर आए। तो फिर हमारा आना जाना स्टार्ट हो गया था, जैसे कोई नेबर्स में आते हैं बताते हैं इसी तरह, क्योंकि ये लोग हमारी गली में ही शिफ्ट हुए थे। मैं नहीं रहता था, आप लोग मत समझिएगा, मैं यहाँ रहता था, मैं रहता ही नहीं था जी। ये यहाँ पर नहीं थे, ये कराची में रहते थे खाला वगैरह के पास, क्योंकि इनको हैदराबाद नहीं पसंद आया था, तो ये नहीं आए थे यहाँ पर, ये वहीं पर थे। बस अम्मी थी और मेरी नंद और मेरा देवर, ये लोग यहाँ पर हुआ करते थे। पापा से भी नहीं मिली थी मैं, क्योंकि पापा अपने जॉब पर हुआ करते थे, लेट आते थे, तो पापा से भी हमारी को इतनी मुलाकात हुई थी खास। हाँ, अम्मी लोग की ये थी कि अम्मी लोग आ जाते थे तो हमारी बातचीत हो जाती थी उनसे, बस। मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक है, तो अम्मी मैं अम्मी स्टोरी सुनाया करती थी हॉरर, तो हम बड़े मज़े से सुना करते थे। फिर यह हुआ ऐसा ऐसा आगे बात चली, तो इनका अम्मी जो है, अच्छा ये भी आए नहीं थे भाई, अहमद जो जिक्र था जो मैं जी बता रही हूँ इनसे पूछिए। ये जो है ना इनका इनके रिश्ता ढूंढा जा रहा था, अम्मी ढूंढ रही थी, तो अम्मी मेरे हमारे घर पर आई आके मैं बता रही कि ना मुझे बेटे का रिश्ता चाहिए ना, मुझे पिक्चर दिखाई, तो मैंने क्या बोला था, अनस भाई मैंने कहा इनके लिए रिश्ता, मेरे एक दोस्त है उसका नाम नहीं लूंगी अभी, मगर इनके दिल में लड्डू फूट रहे थे अपने लिए, कोई नहीं, मैंने भाई कहा। और मैंने इनको कहा कि ना, मेरे अम्मी से कहा, अच्छा इनसे ना मैं मुलाकात हुई थी ना कुछ, तो मैंने अम्मी से ही कहा कि भाई मेरी एक फ्रेंड है तो उनसे हम करवा देते हैं। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। अब बाकी की जो कहानी जो अहमद का ये कह रहे हैं वो बताएंगे आगे। भाई कहानी अलहमदिल्ला से ऐसी हुई थी, माशाल्लाह से आपके नज़रों पर हमसे फरमाने वाले हैं अनस, एक रोमन सेक्रेटरी। तो हमारे अहमद भाई हैं छोटे, जिसको मैं बताता रहता हूँ आपको, ये थोड़े मस्ताने से मस्ताना नहीं है, मैं मजाक करता हूँ, जो बाउल वाली हरकतें कर रहा होता है। तो वो इनके घर आता जाता था, क्योंकि मैं तो होता ही नहीं था यहाँ पे, तो अम्मी ने सारी कहानी बताई थी, तो वो इनके घर आता जाता था। क्या तो कहानी बताई थी अम्मी ने? अम्मी ने कहानी ये बता रहा हूँ ना मोहतरमा। तो अम्मी ने ये कहानी बताई थी, भाई अहमद जाता था तो मेरी अम्मी भी इनका आना जाना हो गया था। इनकी छोटी बहन जो शहर है, जिनका चैनल भी स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है, तो वो मेरे पास या घर पे आती थी। तो जब मैं घर पे कराची से आता था तो उनसे मुलाकात होती थी, बस ऐसे होती थी, वालेकुम सलाम ऐसे होती थी, सलाम दुआ बस। और अहमद भाई जो थे इनके घर जाते थे, तो इसी मजाक हो रहा था, अम्मी भी वहाँ बैठी हुई थी। अम्मी ने बोला भाई अहमद तो इसकी भी शादी करनी है। तो बाजी ने बोला, मेरी सास जो है, मैं उनको बाजी कहता हूँ, सभी बाजी कहते हैं, ये भी खुद भी बाजी कहती है, मैं भी कहती हूँ बाजी कहती है, बाद वक्त बाजी कहती है। और फिर ये हुआ तो बाजी ने कहा मेरी आयशा से कर दे इसकी शादी। तो बस ये बात उनकी छेड़ने की देर थी,
तो फिर मेरी अम्मी ने अहमद की बात हो रही है, छोटे वाले देवर की, तो वो छोटा था। अहमद से कर दे शादी इसकी, अहमद अहमद कर लेगा। तो आयशा ने बोला हाँ अहमद से कर लेंगे। तो अहमद हंसी मजाक में मस्ती हो रहा, नहीं नहीं अहमद ने बोला नहीं नहीं मेरा बड़ा भाई है कमाता है, उससे कर दो। मैंने कहा था मैं जिंगर खाती हूँ, जिंगर खाती है। तो उसने कहा नहीं मैं तो जिंगर नहीं खिला सकता, मेरा भाई खिला सकता है, वो कमाता है। तो फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। तो अम्मी ने बोला ठीक है, अम्मी ने अम्मी के दिमाग में बैठ गई बात, मेरी अम्मी के दिमाग में बैठ गई। तो वो जब वो घर पे आई तो उन्होंने घर पे आके मेरे से फ़ोन पे बात की। तो मैं उनसे पूछता था क्या हुआ भाई मेरे लिए कोई लड़की वड़की, बस ये बोलती थी देख लिए बताऊंगी नहीं, देख लिए बताऊंगी, अच्छा तू हैदराबाद आ जा फिर बताऊंगी, हैदराबाद आ जा हैदराबाद। मैं आती ही नहीं था हैदराबाद, मैंने मैं नहीं आ नहीं ढूंढूँ मैंने कहा। तो मैं फिर हैदराबाद जैसे रुकने आया था तो उन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे सीन है, ऐसी ऐसी लड़की है। तो मैंने बोला ऐसी लड़की तो मैंने कभी देखी नहीं गली में, जैसे कि उनके 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 घर में। मैं गली में खेलती थी, मैं गली में दो चुटिया बांध के ना, तो मैं वो मैं अपने मामू हैं मेरे मुन्ना मामू, मुन्ना फैसल नाम है, मैं मुन्ना कहते हैं उनको। तो उनके साथ गली में कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। तो ये मोहतरमा फिर भी फेस नहीं देखा था मैंने, सिर्फ साइड पोज देखा था इनका। तो ये नाचती हुई उछलती हुई दो चुटिया बांधी हुई इन्होंने घर में घुसी। तो अम्मी ने बोला वो देखा वो जो घर में गई है, मैंने बोला कौन घर में गई कौन सी लड़की, वो जो नहीं गई दो चुटिया, मैंने ये बच्ची बोनी, मैंने ऐसे बोला, मैंने क्या हो गया मैंने बोला बोनी सी बच्ची, सच सच बात बता रहा हूँ तो मैंने बोला अच्छा भाई, मैं चुप हो गया। मैंने अम्मी ने देखी होगी तो भाई अच्छी होगी। तो अम्मी ने बताया माशाल्लाह से ये आत्मा का कोर्स कर रही हैं, यूँ है यूँ है यूँ, मेरा मेरा ना दिमाग चेंज कर रही थी इसकी तरफ ला रही थी। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर चला गया कराची वापसी, कराची चला गया। तो अम्मी से फ़ोन पर बात करता था। तो अम्मी ने भेज दी थी मेरे को तस्वीर तो नहीं दिखाई थी, बहरहाल अम्मी ने इनको बाय फेस मुझसे मिलवा लिया। तो मेरे को हैदराबाद बुलाया बाजी वालों से, फिर इनकी भी अम्मी से बात की हर चीज़ की। तो इनको पिज़्ज़ा खाने का माशाल्लाह बहुत शौक़ था। तो इन्होंने बोला अम्मी ने इनको पिज़्ज़ा पार्टी की दावत दी। जब मैं कराची से आया तो अम्मी ने बोला भाई पिज़्ज़ा पार्टी की दावत है तो तुम लड़की को चुपके से देख लेना। तो मैंने कहा चुपके से क्या, मैं दस्तरखान पे बैठ जाऊँगा साथ ही। मैं जब दस्तरखान लगा तो मेरे जो ससुर हैं और मेरी जो सास हैं उन्होंने मुझे भी बुला लिया भाई बैठ जाओ दस्तरखान पे। मैं बैठा तो ये मोहतरमा बैठी हूँ, बैठना ही था ऐसे कर नहीं सलाम अलैकुम। मैंने बोला वालेकुम सलाम। तो ये दस्तरखान पे बैठे रहे, पिज़्ज़ा वीज़ा खाते रहे, पिज़्ज़ा वीज़ा खा के जाते रहे। तो अम्मी ने मुझे बोला जाओ इनको छोड़ के आ जाओ। अब मेरे ससुर चले गए थे ना खा के, तो उनकी कॉल आ गई थी अर्जेंट, तो वो चले गए। तो मुझे याद है अभी देखिए किस्सा। तो मेरी अम्मी ने कहा भाई इनको आयशा को और इसकी अम्मी को शहर को इन दोनों तीनों को घर पे छोड़ के आ जाओ। मतलब घर पे छोड़ो, हमारा एक ही गली में घर था वो, रात हो गई तो कहा था कि वो साथ चले जाएं। हाँ तो पीछे गली में समझ लो इस तरह का थोड़ा सा, पहले एक गली में रहते थे फिर आगे पीछे गली, उनको पार्टी की दावत दी थी हमने। जब तक कहानी चेंज हो चुका था रहते हुए, हमारे को बड़ा घर मिल गया था। तो फिर हमारे को मैं इनको छोड़ने गया, इनको छोड़ने गया। तो फिर अम्मी ने बोला इनको छोड़ के आ जाओ। तो मैं इनको छोड़ने जा रहा अपनी सास को साली को, मुझे क्या पता था 7 साली हो जाएंगी। तो इनको छोड़ने जब मैं जा रहा था तो ऐसी मैं अपनी सास से बातें करता हुआ जा रहा था। तो ये मेरे को ऐसे ऐसे देख रही थी टिड़ी टिड़ी आंखों से, फजूल मजाक कर रहा है यार, फजूल झूठ मजाक कर। तो मैं इनको छोड़ के आ गया मैं घर पे फाइनली। तो फिर मैं वापसी अपने घर आया तो मैंने पूछा कैसी लगी। मैंने फिर बहाना डाला, मैंने मैं देखने के चक्कर में ना उसको मैंने बोला मैंने कौन सी लड़की थी, मैंने उधर दो दो थी, मैंने पता चल गया था ये हैं। तो मैंने बोला भाई मैंने नहीं देखी, मैंने ऐसे नहीं करूँगा चाहती जब तक मुझे दिखाओगे नहीं सही से। तो फिर अम्मी ने इन मोहतरमा को वापसी बुलाया तो इनसे मुलाकात कराई वापसी। जैसे कि जब बाजी को बोला था भाई देखा नहीं है तो ईद पे मिले बहाने से, मतलब बहाने से वही अरे वही मतलब ईद पे बुलाया था। मतलब कि ईद में कितने दिन थे, एक सेकेंड मैं बताऊं, सुन लो इनको बुलाया मुलाकात हो गई। मुलाकात कैसे हुई, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ इनको देख लिया अच्छी तरह ना, मैंने बोला भाई हाँ मैं ठीक है अम्मी। तो इनसे हो गई, तो रमज़ान माशाल्लाह से रमज़ान आ गए थे, तो इन्होंने भी नियत की हुई थी तकाफ में, तो मैंने भी की हुई थी, तो छोटी बहन ने भी की हुई थी और मेरी सास ने भी की हुई थी। बैठा कौन कौन, मैं बैठा, ये बैठी और छोटी बहन, हम दोनों साथ बैठे थे। छोटी बहन इतफाक से मेरी जो छोटी बहन है और जो इनकी छोटी बहन है उनसे दोस्ती थी, तो इनके साथ ही घर में इतकाफ में इनके साथ बैठ गई थी। और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी, तो मैं इंतकाब में बैठा हुआ था। तो इंतकाब में जब बैठा हुआ था तो मुझे पता चला भाई हमारी मंगनी डिसाइड हो रही है,
पता चल, जैसे मेरे को घर में पता चल गया था, तो इतकाफ में जाने से पहले ही मुझे पता चल गया था। मैं इतकाफ में जब बैठने गया तो मुझे पता चला भाई ईद के बाद हम लोग मंगनी कर रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से फिर मैं इतकाफ में बैठा रहा, दुआ मांगता रहा मैंने, या अल्लाह इनसे हमारी मंगनी हो जाए, इनसे हमारी मंगनी हो जाए, या अल्लाह इनसे दुआ मांगता रहा मैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसी कबूल की, ऐसी दुआ वो कबूल की, आपके सामने ही ये दुआ कबूल हुई थी। तो वो माशाल्लाह से फिर मेरी ईद के चौथे दिन हमारी मंगनी हो गई थी, ईद के चौथे दिन हमारी मंगनी हुई माशाल्लाह से। आपको तस्वीर दिखाएंगे मंगनी की, अगर हुई तो मैं अटैच कर दूंगी साथ, कंप्यूटर में हुई तो अटैच ज़रूर करेंगे। तो फिर हमारी मंगनी हुई, मैं भाई साहब ना मंगनी के दौरान मेरे ताया साहब मुझसे मजाक करने लगे, कह रहे ये थोड़ी जाएगा, लड़के थोड़ी जाते हैं, मुझे क्या पता कि पहली दफ़ा तो मंगनी हो रही थी, या कभी इस तरह देखो थोड़ी मंगनी कैसे होती है, नहीं बात नहीं भी जाते कहीं। हाँ तो बड़ा जब टेंट लगा हर चीज़ लगी तो क्यों नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को तैयार श्यार कर दिया, बोले तुम्हें थोड़ी लेके जाएंगे। मैं अच्छा मैं जाके वापसी बैठ गया, तो मुझे वापसी उतार के लाया, गाड़ी में बैठाया, तो उनके पास गए। तो ये तो अंदर थी, मैं स्टेज लगा हुआ था, मैं जाके ना मेरे बैठा, मैं जाके स्टेज पे बैठ गया, स्टेज पे बैठ गया, मेरी बेइज्जती कर दी। बताओ उन्होंने बोला पहले लड़की की रस्म होगी, मैंने तो सामने बराबर में बिठा दूँ ना क्या होगी, तो कह रही नहीं बराबर में नहीं बिठाएंगे। ले मेरे ताए बोले अब इधर आ जाए, तो मैं इनके सामने बैठ गया, सामने बैठ गया। तो फिर हमारी इनकी रस्म होने लगी, रस्म होती होती ना ये मेरे को नहीं देखी, फजूल इतना ये फजूल नहीं है, यूं बोलता यूं इनकी रस्म हो रही, आज इन्होंने यूं किए हुए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इतना झूठ ये यूं ही हंसी और मैं भी हंसू यूं ही करके। मैं सारे करोड़ गंदों के अंदर कोई मैं यूं ही ना मूंछों को ताव दूं, मैं अपनी मूंछों को ताव डिलीट कर दूंगी, मैं मूंछों को ताव दूं। तो यूँ देखते देखते ना मुझे शर्म आ रही ना, मतलब कि देख के आ रही थी शर्म आ रही थी इनका, मेरे सामने बैठी, बिल्कुल सामने बैठी थी, शर्म आ रही थी। इनकी रस्म हुई फिर मेरी रस्म हुई, तो इनको ले गए अंदर, इनको मेरे सामने नहीं अंदर नहीं लेके गए थे, सामने बिठा दिया, अंदर चली गई थी, अरे सामने बैठ गई अंदर चली गई थी। अच्छा तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत जहन में आ रहा, सामने बैठ गई थी या ये मायू वाली थी, मेरे ख्याल से सामने बैठ गई, नहीं मायू तो अलग ही, मायू भी अलग हुई थी, सब कुछ अलग हुई थी। मैं बताती हूं उसके बाद क्या, ये अंदर चली गई थी, तो अंदर चली गई मेरी रस्म वाली, ऐसे हमारी हो गई मंगनी। अच्छी के बाहर बात सारी ये है कि हमारी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, हमारे घर वालों की, भाई साहब भाई लोग बहन लोग अरेंज मैरिज थी। अब अब्बा टाइम से बता, हमारे घरों में ऐसा नहीं है जबरदस्ती रिश्ता नहीं किया जाता, लड़की और लड़का का रजा राग देना हो तो ऐसे लव मैरिज होती है, हमारे में भी होती है, इनमें भी होती है, पूरे पाकिस्तान में, हमारे पूरे भी ज्यादा दी हुई थी, पसंद है तो बताओ, बट करना चाहता लव मैरिज भी कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं रोक सकता था। बस अभी मैं कुछ बोलना शुरू होंगी ना यार, वो मैं इनको नहीं पता, इनको नहीं पता इस बारे में, तो ये ना बोले ना एक बंदे को बात के बारे में, यार हम अपनी बात कर रहे हैं ना, एक्स की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, दिमाग खराब। तो मंगनी हो गई माशाल्लाह से, मंगनी के दौरान हमारा टाइम ले गया, बाकी इनसे पूछ सकते हैं, हम थक गए हैं। बता दिया आपको मैंने कि लव मैरिज थी नहीं, अरेंज मैरिज थी ये, और रजामंदी से हुई ऑब्वियसली, जो सुन्नत का तरीका है बाकायदा पूछा जाता है। और इसी तरह इंगेजमेंट के 6 महीने बाद हमारी डेट फिक्स हो गई शादी की, मायों मेहंदी, उसकी पिक्चर्स अगर हुई तो मैं आगे लगा दूँगी, अटैच कर दूँगी साथ, अगर हुई मेरे पास तो, मतलब हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में नहीं है, मोबाइल में हुई तो मैं ऑब्वियसली दिखाऊँगी आप लोगों को। और बस ये वीडियो हमारी यही तक थी, बता दी हमने आपको कि हमारी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी, नहीं जो शादी में 2 साल का टाइम लिया, 2 साल के टाइम के बाद लोगों ने इतनी, हाँ ये बात तो बताना भूल गए, लोगों ने इतनी कोई बातें गली के अंदर, गली में हमारी जो लव मैरिज है, चलो वायरल, चलो अगर लव मैरिज भी होती शादी तो हमने कर ली, नहीं मतलब लव मैरिज बात ये थी कि हमारी एक ही गली में थे ना, तो लोगों के दिमाग में आया कि नहीं लव मैरिज, लव मैरिज थी, छत छत से एक दूसरे के पेड़ के पीछे से मिल, हम लोग ना एक दूसरे से बात करते थे, अल्लाह में तो रहता ही नहीं था यहाँ, और छत तो थी भी नहीं, क्वार्टर की कोई छत होती, 2 कमरों की कोई छत छत होती, मतलब कि उस पर चढ़ने की सीढ़ी वीढ़ी तो कोई थी नहीं। तो हमारे को बोल दिया, इस तक के ख्वाजा सरा आते थे हमारे घर पर, ख्वाजा सरा आठ जुमरात को आता था, उस तक ने बोल दिया था तुम्हारी ना लव मैरिज है, इस तरह बोल रहे लव मैरिज है। मैंने कहा भाई अगर चलो अल्लाह के हुक्म से लव मैरिज भी है तो मेरे सर मत्थे ना, ये है तो मेरे पास ही ना, ये वीडियो हमारी यहीं पर ही थी, तो फिर सुन दो बताने दो, तो यहीं सकती थी यहीं सकती थी, तो कितनी बनानी है, पूरी जिंदगी लिख देनी है, पूरी जिंदगी लिख देंगे, राइटर बन जाएंगे, तारक मेहता बन जाएंगे। तो हमारी आपने बताया मंगनी हुई, शादी मायो हुई, फिर हमारी मायो भी माशाल्लाह से बहुत धूम धड़क से हुई, शादी भी माशाल्लाह से धूम धड़क के हुई, वलीमा हुआ, फिर हमारी दावतें चली, दावतें चलने के बाद आज हमारे पास ये तोहफा है, आप देख सकते हैं, चले चले गए हमारी शादी तक की, और शादी तक जो मेन सवाल था उसका जवाब हमने आपको दे दिया, लव मैरिज नहीं है हमारी, अरेंज मैरिज है।
शादी के वाला हो गया। चलिए गाइस हमारी वीडियो यहीं तक की थी, आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, व्यूज़ करें, अच्छे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, हमारे बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। हमारे इतने अच्छे अच्छे जो माशाल्लाह से व्यूज़ आ रहे थे, व्यूअर्स वेयर इज गोइंग, अल्लाह।